हाल में उपस्थिति आदरणीय महानुभाव, संकल्प फाउंडेशन के श्री संतोष कुमार तनेजा जी, पूर्व सिविल सेवा अधिकारी, मंच के संयोजक डॉक्टर जी प्रसन्न कुमार जी, मंच पर सम्मानित उपस्थिति श्रीमन एवं आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि परम आदरणीय परम पूज सर संघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी। संकल्प फाउंडेशन के श्री तनेजा जी का विशेष अनुरोध मेरे लिए एक आदेश था। सरकारी सेवा में स्वभावतः भाषण का योगदान विशेष स्थान नहीं रखता है। सेवा तंत्र यथासंभव पर्दे के पीछे रहते हैं। मुझे इस अवसर पर प्रशासनिक अकादमी मसूरी के प्रशिक्षण के दिनों याद आती है, जब मेरे एक सहयोगी, क्योंकि उस समय घुड़सवारी प्रशिक्षण का आवश्यक अंग था, तो हर शाम को जब घुड़सवारी पर हम लोगों को जाना होता था तो वो घोड़े के पास पहुंचकर कहते थे कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, मैं सरकारी आदेश से आया हूं, इसलिए मुझे गिराना मत। मेरी भी कुछ ऐसी ही स्थिति आज बनी है। इसलिए आप सभी से अपने भाषण को पढ़ने की अनुमति का अनुरोध करता हूँ। संकल्प के बारे में एवं पूर्व सेवा अधिकारी संघ से आप सभी परिचित हैं। पिछले 33 वर्ष से संकल्प फाउंडेशन ऐसे नौजवानों को जो होनहार हैं परंतु साधन संपन्न नहीं हैं, उन्हें विभिन्न सेवाओं में सफलतापूर्वक प्रोत्साहित करने के लिए मेरी ओर से साधुवाद है। यह संस्था विशेष रूप से प्रशंसा की पात्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवसायिक दृष्टिकोण के बजाय यह संस्था पूर्णतः सेवा भाव से कार्य कर रही है। मुझे यद्य पता नहीं था, लेकिन पढ़ने पर पता लगा कि इस संस्था द्वारा लगभग 7,500 अभ्यर्थी विभिन्न सेवाओं में सफल हो चुके हैं। हम सभी के मध्य परम पूजनीय सर संघ चालक श्री मोहन भागवत जी उपस्थित हैं। उनकी दूरदर्शिता और अपनी टोली के साथ परामर्श करके जो विचार वे प्रकट करते हैं, वह सहज रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाखों करोड़ों स्वयंसेवकों का विचार बन जाता है। यह भी है कि उनके बोले हुए पर अब तक किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। आपने एक नई परंपरा प्रारंभ की, वह संवाद की है। आज की सुबह की खबरें इस दिशा में स्पष्ट संकेत करती हैं। जहां अपने व्यक्तिगत जीवन में वो एक आध्यात्मिक साधक हैं, कदाचित आप में से भी कुछ लोगों को शायद पता ना हो, वह एक गायक एवं राष्ट्रीय प्रेरणा जगाने वाले काव्य लेखन भी करते हैं। संघ के विचारों में एक नई राह मिली कि सामाजिक जीवन से जुड़े भिन्न भिन्न लोग अपने देश की भलाई के लिए
काम कर सकते हैं या अपने में संघ से जुड़ने के लिए एक नई धुरी है। माननीय को न पद का लोभ न पुरस्कार की अपेक्षा, आदरणीय श्री भागवत का कार्य ही उनकी पहचान है और उनके देश के लिए योगदान सबसे बड़ा सम्मान है। ऐतिहासिक घटनाचक्र के मूल्यांकन में राष्ट्रीयता का केंद्रीय स्थान है, परंतु राष्ट्रीयता की सर्वमान्य परिभाषा अपने में एक कठिन प्रयास है। ऐसे भी अमूर्त विषय को परिभाषा कठिन होती है। लॉर्ड ब्राइस ने कहा था कि राष्ट्रीयता की परिभाषा देना तो कठिन है, परंतु विवरण से उसे पहचाना जा सकता है। अपने ही देश में महात्मा गांधी एवं प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्रीयता की परिभाषा और दृष्टिकोण में एक मत नहीं था। यदि हम आदर्श एवं सर्वमान्य खोज को व्यवहारिक रूप दें तो राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति मूर्त तथा अमूर्त दोनों प्रकार से होती है। विशेष लक्षण जैसे सामान्य भौगोलिक एकता, जिसे हम सरल भाषा में देश कहते हैं, सांस्कृतिक सभ्यता, ऐतिहासिक अनुभव, भविष्य की संभावनाएं, जिसमें बाहरी शक्तियों के भय का भी आकलन होता है, परंपरा, आकांक्षा तथा सामान्य स्वार्थों से प्रेरित एकता, राष्ट्रीय संबंधी चेतना, आत्मगौरव इत्यादि की अनुभूति को राष्ट्रीयता में सम्मिलित कर सकते हैं। इन सभी में राष्ट्र की आंतरिक शक्ति को सुरक्षित एवं उसे बढ़ाए जाने का बोध होता है। हिमालय से कन्याकुमारी का चित्र ही भारत देश है। इसमें रहने वाले भारतवासी हैं। ग्रीक साहित्य में इसका उल्लेख था, जिसमें 5 इंडीज माने जाते थे, उत्तरापथ, अपरांत, दक्षिण प्रत, प्राची और मध्य देश। यह सामान्य भौगोलिक विभाजन का एहसास हजारों साल पहले हम में प्रारंभ हो चुका था। हमारा साहित्य उसका साक्षी है। अंग्रेजी वातावरण के प्रखर विद्वान यह बतलाने का प्रयास करते हैं कि भारत देश का वास्तविक अस्तित्व तो था ही नहीं। 1857 में राष्ट्रीयता की चिंगारी एक बार फिर जब जागृत हुई तो अनेक विद्वान यह समझाने लगे कि अंग्रेज राज्य में रेल, प्रिंटिंग प्रेस, पोस्टल सेवा, अन्य प्रशासनिक तंत्र से भारत राष्ट्र की परिभाषा की ओर बढ़ रहा है। एक प्रकार का द्वंद्व स्वतः स्पष्ट था। एक छोर राष्ट्रीयता की अवधारणा से जुड़ा था तो दूसरी छोर राष्ट्र रूपी संरचना के लिए प्रशासन को महत्व देता था। कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रकाशन से स्पष्ट था कि प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक एवं संगठित राज्य व्यवस्था थी। प्रशासन के जनक मैक्स वेबर ने कौटिल्य के विवरण को अपनी रचनाओं में संज्ञान में लिया था। राष्ट्रीयता को सरलता में एक शब्द से पहचाना जा सकता है, मैं भारतीय हूं। यह हमारे रोम रोम में बना रहे और अपने दायित्व को इस कसौटी पर, चाहे वह नागरिक हो, राजनैतिक व्यक्ति हो, प्रशासक हो, यदि वह कस्सा रहे तो वह राष्ट्रीयता की भाव भूमि पर एक नागरिक की जिम्मेदारियों का सही निर्वहन करता हुआ माना जाएगा। आज़ादी के बाद भारत के सामने विकट प्रश्न था
कि किस प्रकार जो भारत मिला है उसकी एकता का स्वरूप उसे एक करें। उस समय दो भारत थे, एक ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। जटिल प्रश्न रियासतों के विलय का था, जिसमें एक प्रशासक के कौशल ने सरदार पटेल को सफलता दिलाई, वे थे श्री वीपी मेनन। यह कार्य उत्तम कोट की राष्ट्रीयता और प्रशासन के समन्वय का उदाहरण है। स्वतंत्र भारत ने शुरू से मिश्रित अर्थव्यवस्था और सुनियोजित विकास को अपनाया। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, पंचायती राज व्यवस्था की नींव पड़ी, जिससे आधुनिक भारत की राह की शुरू हुई। इन बीते वर्षों में हमारे अनेक उपलब्धियां तो हैं, दूसरी तरफ पहाड़ जैसी चुनौतियां भी हैं। क्यों हम प्रगति की राह को वांछित गति नहीं दे पाए, इस पर मंथन की जरूरत है। यहीं पर वह राष्ट्रीयता हमें प्रेरणा देती है, जिसे राजनारायण बोस, नवगोपाल मित्र, लाल बाल और पाल और श्री अरविंद ने जगाई थी। अंग्रेज इन प्रयासों से बड़े चिंतित थे। जब लिटन आया भारत में तो उसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बनाया, क्योंकि भाषाई अखबारों को उसने ब्रिटिश विरोधी पाया था। जहां बंकिम चैटर्जी बंगला भाषा को अपने लेखन से एक स्वाभिमान उत्पन्न कर रहे थे, उसी समय हेनरी मेन, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे, छात्रों को यह समझा रहे थे कि यूरोप ही एकमात्र आपका रास्ता है, भारत नहीं। यह बात उन्होंने अपने दीक्षांत भाषण में कही थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे लगता है कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासक भारत की राष्ट्रीय चेतना को कुंठित करने का प्रयास कर रहे थे, और जो राष्ट्रीय चेतना है वह पश्चिम के प्रभाव से मुक्त होने का प्रयास कर रही थी। इस पृष्ठभूमि में स्वामी विवेकानंद के योगदान को देखना होगा। उन्होंने अपने देशवासियों को दुर्बलताओं का जितना निर्मम विवेचन किया है, उतना कोई और नहीं कर सकता। यह उनके लेखन और पत्रावलियों में मौजूद है। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से वापस आए तो दक्षिण गए। उनके स्वागत में अपार भीड़ उमड़ी। मद्रास के युवकों ने घोड़ों की जगह उनके रथ को खींचा। तब बंगाली और मद्रासी का कोई भाव नहीं था। स्वामी विवेकानंद को जो भारत के दर्शन हुए, वे कन्याकुमारी के पास शिला पर बैठकर ही हुए थे। वहाँ भी आज विवेकानंद शिला स्मारक स्थिति है। विवेकानंद की जो पहली अपील थी, वह तो अंग्रेजी प्रभावित भारतीयों के लिए थी। स्वामी विवेकानंद ने भारत की आध्यात्मिकता को व्यवहारिक धरातल पर उतारा और उसे समाज से जोड़ा। परिणाम यह हुआ कि भारत का अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक राष्ट्रीयता की भावना से सरोबार हो गया था। इस प्रवाह को कमजोर करने के लिए अंग्रेज ने हिंदू मुस्लिम भेद खड़ा करने का षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों को यह तो समझ में आ गया कि जो पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी समाज है, वह राष्ट्रीयता के रास्ते पर चल पड़ा है, यह हमारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है। इसलिए अंग्रेजों ने मुस्लिम नेतृत्व को अपने साथ देने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने देखा कि भारत में राष्ट्रीयता बढ़ने वाली है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बनाया। उसमें चुनाव का सिद्धांत प्रारंभ हुआ और दो प्रमुख वर्गों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया, जिसे अब हमारे संविधान में समाप्त कर दिया गया है। 1992 में हटिंगटन की एक पुस्तक आई, जिसमें उन्होंने सभ्यताओं के टकराव पर चर्चा की है। कम लोगों को यह जानकारी है कि बिपिन चंद्र पाल ने इसी विषय पर 1911 से 1914 के बीच अपने लेखों में प्रस्तुत किया था।
जो अब उनकी पुस्तक नेशनैलिटी एंड एम्पायर में विस्तार से वर्णित है। उन्होंने लिखा कि भारत को खतरा पैन यूरोपियनिज्म से नहीं आएगा, बल्कि उसको खतरा पैन मंगोलियनिज्म और पैन इस्लामिज्म से आएगा। उसी पुस्तक में उन्होंने भारत की राष्ट्रीयता की विशेषता क्या है इसे भी समझाया। वे कहते हैं कि राष्ट्रीयता एक सकारात्मक चेतना है जो विश्व बंधुत्व की दिशा में बढ़ाने में सहायक होती है। स्वतंत्र भारत के बीते वर्षों को राष्ट्रीयता और प्रशासन की दृष्टि से दो हिस्से में हम देख सकते हैं। पहला हिस्सा भ्रम और भ्रांतियों का है, आत्म संघर्ष का है। भ्रम नेतृत्व में होता है और भ्रमित नेतृत्व के कारण समाज में भ्रांति पैदा होती है। दूसरा हिस्सा है जिसे हम जागरण के काल का प्रारंभ कह सकते हैं, राष्ट्रीयता की प्रबल धारा का यह काल है जिसमें भेद को अभेद में बदलने की प्रक्रिया चल पड़ी। महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज, डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक लोकतंत्र, श्री अरविंद का अध्यात्म और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद एक नया आधार हमारी राष्ट्रीयता को प्रदान करता है। इन महापुरुषों को अब तक आमने सामने दिखाने की प्रवृत्ति रही जो इस कालखंड में बदलने लगी। भारतीय संविधान ने प्रशासन पर नई जिम्मेदारी डाली है, उसे शासन के साथ साथ विकास का माध्यम और उपकरण भी बनाया है। यह आवश्यक है कि प्रशासन अपने सोचने के ढंग को नए सिरे से संस्कारित करने का सतत प्रयत्न करे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिस अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करने का मंत्र अर्जुन को दिया, वह हर नागरिक और विशेष रूप से प्रशासन में जो हैं उनके लिए उपयोगी है, जिसकी कि पूरी मानवता के लिए भी मान्यता है। अभ्यास का अर्थ है वे संस्कार जो जमे हुए हैं, उन्हें नई दिशा देने का प्रयास करते रहना होगा। दूसरे शब्दों में सोचने और मन के ढंग को बदलने की ज़रूरत है, तभी चुनौतियों का जो पहाड़ है उन पर हम आरोहण कर सकते हैं और राष्ट्रीयता का झंडा उसके शिखर पर फहरा सकते हैं। भारत और पश्चिम में एक बड़ा फर्क राष्ट्रीयता की अवधारणा के बारे में है। जहाँ पश्चिम का राष्ट्रवाद उपनिवेशिकता का पर्याय है, वहाँ भारत की राष्ट्रीयता में मानवता का मंत्र है। इतने वर्षों की सरकारी नौकरी और विभिन्न पदों के अनुभव को आज आपके समक्ष प्रस्तुत करना विषय नहीं है, मुझे आदेश भी नहीं था, परंतु एक सत्य संवाद जिसका मैं साक्षी हूँ प्रस्तुत करके अपनी बात समाप्त करूँगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 50 वर्ष पूर्व राष्ट्रपति शासन घोषित हुआ था। एक तेज तर्राट राज्यपाल ने तत्कालीन वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी से विशेष प्रोजेक्ट की स्वीकृति की मौखिक इच्छा बताई। चर्चा के दौरान वित्त सचिव के सहयोगी के रूप में मैं भी उपस्थित था। वित्त सचिव ने व्यय के उस प्रस्ताव पर अपनी असहमति बताई। राज्यपाल महोदय को यह कदापि स्वीकार नहीं था। उन्होंने आवेश पर वित्त सचिव से कहा कि मेरे आदेशों का पालन होगा। इस आवेश पर वित्त सचिव ने कहा कि श्रीमन, मैं इस पद से भारत के नागरिक और राष्ट्र की सेवा करता हूँ। राज्यपाल जी ने पूछा कि इसका मापदंड क्या होगा और तय कौन करेगा, तो वित्त सचिव ने कहा कि कानून और नियमों का पालन ही मापदंड है। यही घटना प्रशासन के कर्तव्यों को स्पष्ट करता है कि राष्ट्र और नागरिक की सेवा ही प्रशासन की प्रथम
एवं अंतिम भूमिका है। संविधान और कानून मार्गदर्शक है। अंत में श्रीमन, इस हाल में विभिन्न सेवाओं के सफल अभ्यर्थी भी उपस्थित हैं, उन्हें मेरी ओर से विशेष शुभकामनाएं। आप सब ने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।